के पहाड़ों से भी बुलंद है।
दोस्तों आज मैं आपके पास एक मुश्किल वक्त में आया हूं। पाकिस्तान तारीख के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें सिलेक्टेड ने ना सिर्फ अपने एक साला दौरे हुकूमत में इस मुल्क की मईशत बल्कि इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को भी बर्बाद करके रख दिया है। आज एक तरफ मुल्क की मईशत आईएमएफ के पास गिरवी रख दी गई है तो दूसरी तरफ अपनी नाअहली की वजह से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर आलमी दुनिया में तन्हा कर दिया है। आज एक तरफ से इस मुल्क के गरीब किसान मजदूर और कारोबारी तबके पर महंगाई और टैक्सेस का पहाड़ तोड़ दिया है तो दूसरी तरफ भारतीय जारियत के मुकाबले में कोई हमारे साथ देने को तैयार नहीं। ये वो हालात है जिसमें इस मुल्क का हर शहरी परेशान है, इस मुल्क का गरीब परेशान है कि वो दो वक्त की रोटी खा सकता है या नहीं। इस मुल्क का किसान परेशान है कि उसको अपनी फसल का दाम मिलेगा या नहीं। इस मुल्क का मजदूर परेशान है कि उसको मेहनत की उजरत मिलेगी या नहीं। साथियों, इक्तदार में आने से पहले वादे करने तो आसान है लेकिन अगर वो वादे झूठ पर मबनी हो तो वो निभाने मुश्किल होते हैं। और खान ने इक्तदार हासिल करने के लिए आपसे क्या क्या वादे नहीं किए। उसने वादा किया अगर मैं हुकूमत में आया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा मगर कर्ज नहीं लूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। खान ने ना सिर्फ कर्ज लिया है मगर अपने एक साल में हमारे 5 साल से ज्यादा कर्ज लिया है। खान ने वादा किया कि मैं हुकूमत में आया तो इस मुल्क से बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा और गरीबों को 50 लाख घर दूंगा। 1 करोड़ नौकरी तो दूर की बात, उसने तो जिसके पास रोजगार था उससे भी रोजगार छीन लिया है। घर देने तो दूर की बात, मुल्क भर में इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों से छत छीनी जा रही है और उनके कारोबार तबाह कर दिया है। खान ने वादा किया कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क पर डॉलर्स की बारिश कर देंगे और मुझ ईमानदार को पाकिस्तानी इतना टैक्स देंगे जो पाकिस्तान में पहले इकट्ठा नहीं हुआ। डॉलर्स की बारिश तो दूर की बात, डॉलर्स ऐसा गायब हुए कि 1 साल पहले 100 रुपए का डॉलर आज 107 रुपए का है। टैक्स जमा करना तो दूर की बात, आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कम टैक्स जमा नहीं हुआ जितना खान के पहले साल में जमा हुआ है। दोस्तों, खान ने वादा किया था कि मैं हुकूमत में आया तो इस मुल्क से करप्शन खत्म कर लूंगा, एहतसाब करूंगा, इंसाफ करूंगा, लेकिन ये कैसा एक तरफा एहतसाब है
कि पूरी सारी ऑपोजिशन जेल में और खान के करप्ट तरीन कैबिना में, उनके लिए ना कोई जीआईटी ना कोई नैब। ये कैसा एहतसाब है कि 30 अरब की पेशावर मेट्रो 100 अरब की हो चुकी है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये कैसे एहतसाब है कि मालूम जब्बा की करप्शन की फाइल दबा दी जाती है क्योंकि वजीर आजम हाउस और कैबिना में बैठे लोग इस करप्शन में शामिल हैं। ये कैसा एहतसाब है, ये कैसा एहतसाब है, ये तो सियासी इंतकाम है। जहां सियासी मुखालफीन के घर के औरतों भी निशाने पर है। हमारा सकाफत, हमारा दीन, हमारा रवायत है कि हम औरतों की इज्जत करते हैं, मगर नया पाकिस्तान में बुजदिल सिलेक्टेड औरतों से टकराता है। मरियम नवाज को उसका 70 साल वालिद के सामने गिरफ्तार किया जाता है। फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात 12 बजे हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया जाता है। सिर्फ बुजदिल ही औरतों और बुजुर्गों के पीछे पड़ते हैं। ये कैसा एहतसाब है, ये कैसा एहतसाब है कि जब ऑपोजिशन के लोगों पे कुछ नहीं मिलती तो फिर हेरोइन भी डाला जाता है। ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। और कुदरत का कानून है, हर अरूज को जवाल है। खान और उसकी कैबिना के लोग उस वक्त से डरे जब जुल्म करने वालों को अपना जुल्म का हिसाब देना होगा। दोस्तों, इन्होंने करप्ट करप्ट का नारा लगा के, करप्ट करप्ट का नारा लगा के बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन, सब कुछ जेल में डाल दिया है। आप बताएं क्या इस मुल्क से करप्शन खत्म हो गई है? आम आदमी को इस नया पाकिस्तान में अपना हक लेना हो तो करप्शन, बच्चा स्कूल में दाखिल करना हो तो करप्शन, मरीज का इलाज करना हो तो करप्शन। खान ने कौन सा करप्शन खत्म कर लिया है? खान ने कौन सा अपना वादा पूरा कर लिया है? कोई नहीं, एक वादा भी ऐसा नहीं जो खान ने पूरा किया हो। नाकामी और ना अहली का ऐसा तूफान है जिसकी कीमत ये कौम और मुल्क अदा कर रहा है। मैं तो हैरान हूं कि वो कुवते जो हमारे दौर में मुहिब्बुल वतनी और स्टेट इंटरेस्ट की हिफाजत करने के नाम पर भाषण देती थी, आज खामोश है। क्या आलमी अदालतों से रेंटल पावर केस, रिको डीड केस में पाकिस्तान के खिलाफ फैसले हमारे अदालती निजाम के मुंह पर तमाचा नहीं? तब आप तो सुबह शाम अजब करप्शन की गजब कहानी का ढोल पीटते थे कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर आप दुरुस्त थे तो आलमी अदालतों ने आपकी क्यों नहीं सुनी? उन्होंने आपके फैसलों और फतवों को रद्दी की ठोकरी में फेंक दिया है। और आज ये अरबों डॉलर्स जो पाकिस्तान में जुर्माना की सूरत में अदा करना है, वो पैसा कहां से आएगा? हमने आईएमएफ से 6 बिलियन डॉलर्स लिया है। और सिर्फ रिकोटी केस में आलमी अदालतों में हारने के बाद पाकिस्तान ने 6 बिलियन डॉलर्स जुर्माना जमा करना है। ये नैब गर्दी और सियासी फैसलों का अंजाम है। 6 बिलियन डॉलर्स। इसलिए हम कहते हैं कि नैब गर्दी और मीशत साथ साथ नहीं चल सकती।
$6 billion टैक्स पेयर के पैसों से ये जुर्माना क्यों अदा किया जाए? साथियों, सिर्फ मैं नहीं, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी हैरान है, परेशान है कि आज कहीं कश्मीर पे सौदाबाजी तो नहीं हो गई। वो कश्मीर जिसके बारे में कायदे आजम ने कहा ये हमारी शहरत है, वो कश्मीर जिसके बारे में भुट्टो शहीद ने कहा, इसी सरजमीन पे खड़े होकर कहा कि कश्मीर ऐसे मसला है जिसके बारे में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता। और अगर इसके लिए हजार साल भी जंग लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। पीबी शहीद ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना बहेगा वहां हमारा खून गिरेगा। साथियों, मैं इन बुलंद पहाड़ों को बकवा बनाकर कहता हूं, मैं इन सरसब्ज वादियों को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को गवाह बनाकर कसम खाता हूं कि मैं किसी सूरत किसी को भी जिना के ख्वाब भुट्टो के विजन से गद्दारी नहीं करने दूंगा, कोई सौदाबाजी नहीं करने दूंगा। आज कश्मीर के मजलूम आवाम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि इस हकूमत ने कश्मीर का केस लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया है। सुनो मेरे दोस्तों, क्या मजलूम कश्मीरियों पर क्या गुजरी होगी जब इस सिलेक्टेड ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि मैं क्या करूं? उन कश्मीरी माओ बहनों और कश्मीरी रहनुमाओं पर क्या गुजरी होगी जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने मुजफ्फराबाद में कहा कि सलामती काउंसिल हमारे लिए हार लेकर नहीं खड़ी और कोई अहमकों की जन्नत में ना रहे? क्या हम 70 साल से अहमकों की जन्नत में रह रहे थे? मैं इनसे कहता हूं, तारीख की सबक सीख ले। आपको तो पता होना चाहिए कि 1971 के सानिये के बाद भुट्टो शहीद ने हथियार नहीं डाल दिया थे। भुट्टो शहीद ने तो कमजोर पोजीशन में होने के बावजूद ना सिर्फ भारत से 90,000 जंगी कैदी चुरवाए बल्कि हजारों मरबा मील रकबा वापस ले आया। वो पंजाब के शहर भी वापस ले आए जो भारत के कब्जे में जा चुके थे। वो थर के रेगिस्तान भी वापस लाया जिसके कोले से हम आज बिजली बनाते हैं। ये फर्क होता है आवाम के असल नुमाइंदों में और सिलेक्टेड हुक्मरानों में। ये फर्क होता है जो आवाम की ताकत से इख्तदार में आते हैं और उनमें जो लाए जाते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान में खड़ा होकर पूरे पाकिस्तान को एक वाज़े पैगाम देता हूं कि कोई गलत फहमी में ना रहे, भुट्टो का नवासा बीवी का बेटा भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उसके साथ है। अगर कश्मीर पे कोई सौदाबाजी की तो तुम्हारा वो हशर होगा कि दुनिया याद रखेगी। ए सिलेक्टेड हुक्मरानों, होश के नाखून लो और अपनी जिम्मेदारी अदा करो वरना आवाम के कड़े एहतसाब के लिए तैयार हो जाओ। और मैं इस जलसे आम में खड़ा होकर
गुजरात के किसान से पूछ रहा हूं, मोदी से पूछ रहा हूं कि अगर तुमने मोदी अगर तुमने कश्मीरियों को हुकूक दिए हैं तो कर्फ्यू उठाओ, श्रीनगर में जलसा करो और पूछो कश्मीरियों से, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी और इस इकदाम की क्या हैसियत है। तुम यहां की बात छोड़ो, तुम वहां रेफरेंडम करवा लो, लोग शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हक में फैसले देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो इनके हकूक के लिए सारी जिंदगी लड़ा है। तुम राय शुमारी करवा के दिखा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोगों के क्या राय है। तुम बाकी छोड़ो, तुम कश्मीर में घुस के दिखा दो, 9 लाख फौज के सहारे भी तुमने सारा कश्मीर जेल बना दिया है और फिर जेल में जेल बनाकर तुमने सारे कश्मीर के लीडर्स को कैद कर दिया है। रिहा करो उनको, एहतजाज उनका हक है। तुम लोगों की कनपत्ती पर बंदूक रख सकते हो लेकिन लोगों का ज़हन नहीं तब्दील कर सकते। तुम पैलेट गन से लोगों की आंखें अंधी कर सकते हो लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं छीन सकते। तुम फौज के बूटों की धमक से आजादी के जज्बे को खत्म नहीं कर सकते हो। तुम मीडिया पे पाबंदी लगा सकते हो मगर लोगों की जबान बंदी नहीं कर सकते हो। तुम टैंक्स के जोर पर लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते हो। तुम तोपों के गोलों से लोग मार सकते हो मगर उनकी सोचों को कत्ल नहीं कर सकते हो। तुम रहबर नहीं, तुम रहजन हो, तुम लीडर नहीं, तुम कातिल हो। तुम कल गुजरात के मुसलमानों के कातिल थे, तुम आज कश्मीरियों के कातिल हो। तुम्हें तारीख सिर्फ एक ही नाम से याद रखेगी, कातिल मोदी कातिल। साथियों, मैंने और आपने कश्मीरियों का आवाज बनना है, मोदी को बेनकाब करना है, मजलूम कश्मीरियों को उनका हुकूक दिलवाना है। वो इसलिए कि हमारा सिलेक्टिव वजीर आजम में ना वो सलाहियत है और ना वो अहलियत है कि वो कश्मीर का केस लड़ सकता है। वो सिलेक्टेड मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियों पर किस मुंह से बात कर सकता है जिसने खुद अपना ही मुल्क में तारीखी सेंसरशिप की। वो सिलेक्टेड मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत पर किस मुंह से बात कर सकता है जिसने अपना मुल्क में जमहूरियत का जिन्ना सा निकाल दिया है। वो सिलेक्टेड मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक पर किस मुंह से बात कर सकता है जिसने अपना ही मुल्क में इंसानी हकूक का दर्जा उड़ा दिया है। सिर्फ और सिर्फ जमहूरी पाकिस्तान की जमहूरी क्यादत कश्मीर की जदोजहद कर सकती है, मोदी को बेनकाब कर सकती है और कश्मीरियों को उनके हकूक दिलवा सकती है। साथियों, वो सिलेक्टेड जो पाकिस्तान में जमहूरियत पे हमला कर रहा है, 18वीं तरमीम पे हमला कर रहा है, भुट्टो शहीद का दिया हुआ 1973 की इस्लामी वफाकी जुनून जमहूरी आईन पर हमला कर रहा है जो हम सबसे जमहूरी मुआशी और इंसानी हकूक छीन रहा है,
वो कैसे गिलगित बल्तिस्तान को कूप दे सकता है? गिलगित बल्तिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान को जब भी हकूक मिले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिए, वो सदर जरदारी ने दिए। और जो हकूक रहते हैं, जो हकूक रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। जो हकूक रहते हैं, जो हकूक रहते हैं, ये मेरा आपसे वादा है, जो हकूक रहते हैं वो हकूक मैं आपको दिलवाऊंगा। साथियों, जब अवामी हुकूमत आती है, जब अवामी हुकूमत आती है तो आपकी वोट्स की वजह से आती है, उसे आपकी दुख दर्द की एहसास होती है। वो सिर्फ रोजगार के वादे नहीं करते, वो रोजगार देने के वादे पूरे करते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तारीखी रोजगार दिया। अगर यह यहां नहीं तो मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर रोजगार का बंदोबस्त किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दौर मशहूर था कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। सदर जरदारी के दौर में हम मुआशी बोहरान का मुकाबला कर रहे थे, दुनिया में रिसेशन था, हम भी महंगाई का मुकाबला कर रहे थे, मगर इसलिए कि हम अवामी हुकूमत पे हम गरीब के तहफ्फुज़ करते थे। दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, मगर इसलिए कि हम